हमें सूरजपुर के विश्रामपुर में छात्रों ने एसईसीएल कॉलेज कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल एसईसीएल प्रबंधन के द्वारा जून में कॉलेज के छात्रों से स्कूल बस के किराए के रूप में 1500-1500 रुपए ले लिए थे, लेकिन प्रबंधन द्वारा स्कूल बस मुहैया नहीं कराई गई, जिसकी वजह से छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा और सभी छात्र एसईसीएल कार्यालय में पहुंचकर बस मुहैया कराने की मांग करने लगे। वहीं एसईसीएल प्रबंधन द्वारा जल्द बस उपलब्ध कराए जाने के आश्वासन के बाद छात्रों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। जून से क्या बोलते हैं, बस चालू हो गई है, पर 20 दिन बस चालू हुआ है और बस पास हम लोगों को 2 महीना पहले ही मिली है, लेकिन अभी तक ना बस पास निकला और बस क्या बोलते हैं ये लोग निकाल नहीं रहे हैं, क्योंकि पैसा हम लोगों का जमा है और हम लोग लड़कियां हैं, हम लोगों को सुबह जाने हैं, सुबह से जाते हैं और हम लोग शाम को आते हैं, बट कैसे आते हैं कैसे जाते हैं हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। बॉयज का कोई दिक्कत नहीं, गर्ल्स का बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। जो हम लोग का सर ये बस पास का प्रोसेस सर 1 महीने का होता है, लेकिन ये 2 महीना इस वजह से किया गया है क्योंकि बस के कागजात है नहीं, अब बस कब तक चलेगी नहीं चलेगी इनका कोई उनको भी पता नहीं था, बस पकड़ा गई बस खड़ी हो गई। हम लोग का पैसा 250 सर 2500 रुपये जमा है सर, उसका क्या है तो पता नहीं सर, बस पास इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्या कि हम लोग पास हाथ आ जाएगा कि हम लोग का पैसा आपके पास है, हम लोग पास लेकिन उसके बाद भी अभी भी कुछ सुनवाई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।